आजकल सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की तादाद और भी बढ़ी रही है। हम जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो हम डाटा को ऑन रखते हैं, अपने फ़ोन के डाटा को ऑन रखते हैं, यानी कि हम अपना डाटा को भी यूज करते हैं। आप सभी ने सुना ही होगा, मेरा ये पैक है, इस पैक में 1.5 GB डाटा पर डे मिलती है, इस पैक में 2 GB डाटा पर डे मिलता है, मेरा ये पैक अनलिमिटेड है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है आखिर ये डाटा होती क्या है, क्या इसे बनाया जाता है? तो क्यूरोसिटी टीवी हिंदी के इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये जानने से पहले कि डाटा क्या होता है, हमें इंटरनेट के बारे में जानना पड़ेगा। इंटरनेट नेटवर्क के ग्लोबल कनेक्शन को कहते हैं। अगर आप नेटवर्क के बारे में नहीं जानते तो आसान भाषा में जान लीजिए कि नेटवर्क का मतलब होता है जाल। जैसे कि एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से जुड़ा है, और तीसरा चौथा से, और चौथा सैकड़ों ऐसे कंप्यूटर से, और सारे कंप्यूटर को मिला दे तो एक जाल बनता है और उसी को हम नेटवर्क करते हैं। और इन्हीं नेटवर्क के ग्लोबल कनेक्शन यानी कि पूरे विश्व के कनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। बेसिकली डाटा का मतलब होता है अब जो भी चीज़ देखते हो, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सभी डाटा ही तो है, जैसे कि म्यूजिक, ईमेल्स, वीडियो, पिक्चर इत्यादि। आप सभी के मन में एक और सवाल ये भी होगा कि कौन सी फाइल कितनी डाटा लेती है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमें ईमेल करने में 50 KB डाटा पर मैसेज लगती है, पिक्चर अपलोड करने में लगभग 1.5 MB पर फोटो, फेसबुक चलाने में 1.2 MB पर मिनट विदाउट वीडियो, वेब सर्फिंग यानी कि क्रोम गूगल यूज करने में 2.5 MB पर मिनट, गेमिंग में जैसे 1.5 MB पर मिनट, म्यूजिक सुनने में 1 से 2 MB पर मिनट, यूट्यूब में 2.5 से लेके 6 MB पर मिनट तक इस्तेमाल होती है। ये उसके वीडियो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी आपको सर्विस देती है, डाटा देती है, जैसे कि 1.5 GB 4G डाटा, 2 GB 3G डाटा, तो वो कंपनी आपको इतना डाटा दे रही है, आप इतने डाटा के वीडियो म्यूजिक देख सकते हैं पर डे, जैसे 1.5 GB डाटा के म्यूजिक आप पर डे देख सकते हैं। कोई भी टेलीकॉम कंपनी के पास उनका खुद का डाटा स्टोर नहीं होता है, यानी कि उनके पास डाटा नहीं होता, वो कंपनी सिर्फ आपको डाटा तक पहुंचने का एक माध्यम देती है। ये सभी डाटा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, फायरफॉक्स, उनके पास स्टोर रहती है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि उन कंपनियों के पास ये डाटा कहां से आता है, तो सुनिए, ये सभी डाटा उसके क्लाइंट यानी कि उसके यूजर्स ही अपलोड करते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए ज़रा सोचिए कि आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो उस सर्च के कई रिजल्ट आते हैं, यानी कि कई सारे वीडियो आ जाते हैं, तो वो वीडियो आता कहाँ से है? उसे हम और आप ही तो अपलोड करते हैं, हम सब भी तो यूट्यूब के यूजर्स ही हैं। जैसे कि इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो मैंने ही अपलोड किया है, मैं भी तो यूट्यूब का एक यूजर ही हूँ। अब आप समझ गए होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट में मौजूद 90% डाटा लास्ट 5 ईयर में अपलोड हुआ है। ये विश्व में इंटरनेट की यूज में हुई क्रांतिकारी बढ़ोतरी के कारण हुई है। आज जियो के वजह से मोबाइल डाटा भारत में दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सस्ता हो गया है। सिर्फ जियो के वजह से हमारे देश में मोबाइल डाटा इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की प्रतिशत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज भारत में सिर्फ और सिर्फ जियो के 331 मिलियन यूजर्स हैं। विश्व के 100 में से 12% इंटरनेट यूजर भारतीय हैं। भारत विश्व में आज इंटरनेट यूज करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर पर चाइना है 21% के साथ, और तीसरा नंबर पर अमेरिका है 8% के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।